आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंप डाउन करने का तरीका क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। पंप डाउन करने का हमको कब जरूरत पड़ता है, जब हम मशीन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या फिर इंडोर पे मेरा कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से हमको खोलना पड़ता है तो हम गैस को बैक करते हैं। पंप डाउन बोलिए, गैस बैक बोलिए या गैस रिस्टोर बोलिए, वो कैसे करते हैं हम आपको पूरा वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले हमेशा नोट रखें, पंप डाउन हम उस टाइम करते हैं जब मेरा कंप्रेसर ऑन हो, मतलब सबसे पहले मशीन को ऑन करेंगे, टेम्परेचर पूरा डाउन करेंगे, 16 हो 18 हो लास्ट टेम्परेचर जितना हो उतना तक करेंगे। उसके बाद कंप्रेसर जब मेरा ऑन होगा तो फिर हम लोग धीरे से गेज लगाएंगे, कैलोमीटर लगाएंगे, पूरा हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो उसके बाद हम डिस्चार्ज लाइन को बंद करते हैं ताकि वो थ्रो करना बंद करेगा, बाकी जो पाइप का गैस होता है इंडोर होते हुए पूरा कंप्रेसर में आ जाता है। और सेक्शन को फिर उसके बाद हम लोग बंद करते हैं और साथ ही उसको हम लोग तुरंत ऑफ करते हैं मशीन को तुरंत। सबसे पहले हमें याद रखा, जब भी पंप डाउन करें जैसे गैस पूरा रिस्टोर हो जाएगा तो मशीन को तुरंत ऑफ करना है, क्योंकि दोनों वाल्व जब आप बंद कर देंगे तो बाद में ब्लास्ट हो सकता है और वो फट सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। इसके वजह से पहले हमेशा याद रखे कि जब भी आप पंप डाउन करें तो एक आदमी हमेशा मेन ब्रेकर सामने या फिर स्विच हो सामने तो वहां पे आदमी को भेज दे, उसके बाद ही पंप डाउन करें। आपको हम पूरा सेफ तरीका दिखाएंगे, गेज लगा के कैलोमीटर लगा के कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जब भी पंप डाउन करें, और एक बात हमेशा याद रखे, जो माइनस वैक्यूम साइड में नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग गैस का प्रेशर को 410 है तो 120 130 रहता है और लास्ट ऐसे यहाँ तक आ जाता है। जब सेक्शन डिस्चार्ज बंद करने के बाद धीरे धीरे मीटर जब इधर प्रेशर घटते रहेगा, ये जो वैक्यूम साइड में नहीं आना चाहिए, 0 मान चाहिए तो तुरंत उसको लॉक करके बंद कर देना है। वैक्यूम साइड में आएगा तो कंप्रेसर का ऑयल चढ़ जाता है। तो अब हम आपको हम पूरा वीडियो में आपको दिखाते हैं इसका प्रोसेस क्या, पूरा वीडियो में आपको प्रैक्टिकली हम पंप डाउन करके दिखाएंगे, ओके। चलिए देखते हैं वीडियो। वालेकुम दोस्तों, आज हम पंप डाउन करने का प्रोसेस देखेंगे। पंप डाउन या गैस बैक करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग गेज को इसमें सेक्शन लाइन पे लगाते हैं, ठीक है। गेज को सेक्शन लाइन पे लगाएंगे, जितना गैस है वो उतना शो करेगा। उसके बाद हम कैलोमीटर में भी देखेंगे। जब हम लोग इसको बंद करेंगे, पहले कंप्रेसर ऑन रहेगा पंप डाउन करने टाइम, हम लोग सबसे पहले फिर डिस्चार्ज को बंद करते हैं, क्योंकि वो थ्रो करना बंद करेगा तो अपना गैस यहाँ स्टोर हो जाएगा और जितना रिटर्न गैस रहेगा ये रिटर्न ले लेगा। उसके बाद हम लोग जब इसका मीटर आ जाएगा 0 पे तो हम लोग इसको सेक्शन को बंद कर देते हैं और मशीन को सडनली ऑफ कर देते हैं। यह प्रोसेस मीटर में भी एम्पियर मेरा घटते रहेगा। अब हम आपको उसी तरीके से वीडियो में भी दिखाते हैं। आप जैसे मीटर में देख रहे हैं ये 410 है, 120 इसका 120 इसका गेज में आ रहा है, मतलब गैस मेरा प्रॉपर है। अब इसका एम्पियर देख लीजिए 6.1 6.2। तो अभी सबसे पहले हम लोग ये दोनों को खोलते हैं, इसको सेक्शन को डिस्चार्ज को खोलेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज को बंद करेंगे। फाइव पे लिखिए, आप इसको बंद करेंगे। देखिए अब जो है आप देख रहे हैं अभी 180 90 ये गैस मेरा स्टोर होते जा रहा है कंप्रेसर में। बहुत इजी प्रोसेस है। अब आपको सेक्शन को बंद करना स्टार्ट करना होगा ताकि आपका 0 0 पहुंचते सेक्शन भी वहां तक पहुंच जाए। एम्पियर देखिए, एम्पियर भी लो हो गया 3 2, ये नॉर्मली 2 में आ जाएगा एम्पियर। अब ये देखिए, ये जैसे ये मेरा पूरा गैस स्टोर हो गया, देखिए एम्पियर भी 2 आ गया, अब गैस भी मेरा पूरा बैक हो गया। अब हम लोग सेक्शन को पूरा देखिए लिंकी से हम उसको सेक्शन को पूरा क्लोज कर देंगे। ये सेक्शन पूरा क्लोज कर दिया, अब आपको मशीन को ऑफ करना होगा। जैसे ही पूरा 0 आ गया यहाँ पे देखिए, गैस जो मेरा पूरा बैक हो गया, मशीन को बंद करो। अब मशीन को हम लोग बंद कर दिए। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें एक भी गैस नहीं रहेगा, ठीक है। ये पंप डाउन करने का बहुत इसी प्रोसेस है, ये तो वीडियो के लिए। नॉर्मली हम लोग ये देखिए, इसमें किसी तरह के एक भी गैस इसमें जो है नहीं रह गए, पूरा प्रोसेस है 0 0 0 प्रेशर है। ये देखिए कोई गैस नहीं है, डिस्चार्ज निकाल दी, ऑलरेडी पूरा गैस इसमें स्टोर हो गया मुकम्मल गैस। तो यही तरीका है, बहुत इजी प्रोसेस है पंप डाउन करने का। आप जब भी पंप डाउन करें इसका हमेशा ख्याल रखें कंप्रेसर मेरा ऑन होना चाहिए,
और दूसरा गेज और मीटर लगा के रखना चाहिए ताकि गेज में अगर जीरो आ जाएगा तो उसके बाद इजी प्रोसेस होता है। और जब स्टोर पूरा कर ले आप तो तुरंत आपको कंप्रेसर ऑफ करना रहेगा, क्योंकि डिस्चार्ज सेक्शन वाल्व बंद रहेगा तो हो सके कंप्रेसर लेट करें तो कंप्रेसर ब्लास्ट हो सकता है, तो इसका ज्यादा करके ख्याल रखें। या फिर आपको अगर नीचे में कोई नहीं है तो आप यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से दोनों में से एक वायर को डिसकनेक्ट कर दे, जैसे आपको हो गया या तो कट कर दे या फिर इसको लूज कर करके निकाल ले। ये बहुत ईजी प्रोसेस है पम्प डाउन करने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और देखते रहे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।